हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डी टू आर स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोलों की संख्या निकालना। जी हाँ दोस्तों, कैसे मोलों की संख्या निकालते हैं बहुत आसान तरीके से और कम समय इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को अंत देते रहेगा, आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा कैसे मोलों की संख्या निकालते हैं किसी यौगिक का किसी तत्व का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि कुछ वीडियो सीखते हैं हमारे चैनल डी टू आर स्टडी को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को, ठीक है। तो हमारा आज का खास टॉपिक क्या, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मोलों की संख्या किस किस परिस्थिति में निकाला जाता है, किसका क्या निकाला जाता है, ठीक है। तो मोलों की संख्या निकालने का यहाँ पे मैं आपको तीन फॉर्मूला बताऊंगा। यदि वो तीन फॉर्मूला का याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह का यदि मोलों की संख्या निकालना प्रश्न रहे तो आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा आशा है, ठीक है। बस वीडियो को अंत देते रहिए। तो पहला फॉर्मूला मतलब क्या बनेगा मोलों की संख्या निकालने का, तो यहाँ पे लिखता हूँ पहले, ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। देखिए मोलों की संख्या जो निकलता है ना दोस्तों, यहाँ पे पहला तो हम निकालेंगे क्या, कुछ भी तत्व या कुछ भी हमसे लेना देना नहीं है। जो पहले क्या रहता ना उसका भार, एक तो आपको भार दे दिया जाता है, तो दिया गया भार और बटन में मोलर भार रखते हैं, तो हमारा जो आता है ना वही मोलों की संख्या होता है। क्या समझे, देखिए दिया गया भार, इसका मतलब आपको कोई भार दे देगा, जैसे 40 ग्राम दे देगा, 50 ग्राम इस दे देगा, 28 ग्राम N2। तो ये जो दिया गया भार है ना, दिया गया भार वेट, बटा में क्या करना है आपको मोलर भार, मोलर भार यानी कि मोलर वेट। अब मोलर वेट आपको निकालना आता है नहीं आता, ऐसे मैं यहाँ बताऊंगा, ऐसे वीडियो भी डाल दिया हूँ, बताऊंगा यहाँ पर कैसे निकलता है। ये मोलर भार हो गया, जब दिया गया भार और बटा मोलर भार को करिएगा ना, तो जो काट छाट कर आएगा वही आपको मोलों की संख्या हो जाएगा। अब तत्व का निकलेगा तो योग मुझसे लेना देना नहीं है। इसी तरह एक और हमारा फॉर्मूला यहाँ पे आता है दोस्तों, जब किसी यौगिक में तो यह भार दिए तो तब निकाल लीजिएगा, लेकिन जब आपका यौगिक का या तत्व का आयतन दे देगा तब कैसे निकालिएगा, तो आपको तो आपको नहीं पता चलेगा कुछ, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। यहां से भी निकलेगा मोलों की संख्या का फॉर्मूला, मोलों की संख्या, ठीक है। ये तो क्या होता है ना आपका, देखिए एक जगह STP पर आयतन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप एवं दाब, STP पर आयतन, अब किसी भी रहेगा गैस से उसका आयतन रहे। अब बटा में तो क्या करिएगा ना, आपको बस कुछ नहीं 22.4 लीटर से भाग दे दीजिएगा, तो आपका मोलों की संख्या निकल के आ जाएगा। दिमाग लगाया थोड़ा सा, मोलों की संख्या कैसे निकलेगा, जब STP पर आप वो आयतन दे देगा तो क्या करेंगे उसमें 22.4 लीटर से भागा देंगे, तो हमारा मोलों की संख्या निकल जाएगा उस गैस का, ठीक है, कुछ भी यौगिक में रहें। ये तुम्हारा हो गया दोस्तों मोलों की संख्या निकालने का। एक और दोस्तों यहां से मोलों की संख्या निकाल, याद रखिएगा, मैं आपको सारा डिटेल बता दूंगा, आपको फिर दोबारा किसी का वीडियो देखना ना पड़े, मैं ऐसा कंसेप्ट दूंगा आपको हर जितना भी कमजोर से उनको समझ सकते हैं, ठीक है, मेरा यही प्रयास रहता है हमेशा। तो मोलों की संख्या एक और तरह से निकलेगा फॉर्मूला, क्या होता है ना कभी कभी आपको मोलों की संख्या में ये दोनों ना देखकर आपको दे देगा कणों की संख्या, कि किसी मान लीजिए दे देगा O2 गैस है उसमें इतना कणों की संख्या है, तो उसका मोलों की संख्या कितना निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा मोलों की संख्या निकलने का, ये होता है दोस्तों कणों की संख्या। अब इसमें देखिए पहले समझिए, बटा में दोस्तों क्या करना, एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या का दोस्तों सॉरी क्या, एवोगाड्रो संख्या किसे सूचित करते हैं, एन ए द्वारा, कैपिटल एन स्मॉल ए, इसका दोस्तों यहां मान लिख देता हूं, जहां एन ए यानी कि नंबर ऑफ एवोगाड्रो संख्या क्या होता है दोस्तों 6.022 × 10³ होता है, 10³ मोल इनवर्स ऐसी बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो एवोगाड्रो संख्या देख कणों की संख्या भागा देगा एवोगाड्रो संख्या है यानी इतना से, तो हमारा यही मोलों की संख्या निकलेगा, यानी कि आपको तीन कंडीशन तीन फॉर्मूला आपको आ जाएगा, इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए अब कैसे इस तरह का प्रश्न रहेगा कैसे निकालने के लिए, अब ये हम लोग समझते हैं। पहले फॉर्मूला को समझिएगा ना, दिया गया भार बटे मोलर भार, तो मोलों की संख्या निकल जाएगा। सेकेंड यदि हमारा STP पर आयतन मान लीजिए किसी गैस का है, STP या तो NTP दोनों ही करते हैं, NTP या STP पर आयतन दे देगा, तो उसमें 22.4 लीटर से, याद रखिए लीटर से जब भागा देंगे ना तो हमारा मोलों की संख्या आ जाएगा। और तीसरा यदि कणों की संख्या में एवोगाड्रो संख्या से भागा देंगे तो हमारा मोलों की संख्या आ जाएगा। अब प्रश्न देखिए कैसे हमारा रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, जैसे हमारा पहला नंबर प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार का, क्या प्रश्न आपका बोल रहा क्या, 46 ग्राम सोडियम में उपस्थित मोलों की संख्या निकालें, यानी कि 46 ग्राम सोडियम में कितना आपका मोल है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। तो पहले तो हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे,
देखिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, याद रखिएगा क्लास टेंथ में सॉरी नाइन्थ में पढ़ना है इसको, इलेवंथ में इसको पढ़ना है, और ट्वेल्थ में भी आपको ये काम करेगा जब आपका बिलियन चालू होगा पढ़ना हमारा ट्वेल्थ का केमिस्ट्री में सोल्यूशन उसमें भी एक का काम आ जाएगा। तो इतना समझिएगा आप, कंपटीटिव एग्जाम में तो मत पूछिए इससे सवाल आएंगे ही, ठीक है। 46 ग्राम सोडियम में उपस्थित मोलों की संख्या निकालना, तो पहले तो आप समझ गए होंगे कि 46 ग्राम यानी कि हमारा भार दे दिया है। अब भाई सोडियम है तो सोडियम का तो मोलर भार मुझे पता नहीं है, तो पहले जो दिया उसको लिख दीजिए। तो क्या कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे दिया गया भार 46 ग्राम। अब दोस्तों चूंकि सोडियम है ना, तो सोडियम का देखिए मैं बताता हूँ, ऐसे जब आपको परमाणु भार याद रहेगा ना तो आपको मोलर भार निकल जाएगा, कुछ वही चीज होता है सोडियम का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मोलर भार। देखिए ऐसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, याद है परमाणु कितना होता है 23 होता है ना, सोडियम का परमाणु संख्या 11 इसका 23, तो 23 जो होता है ना तो 23 में सिर्फ ग्राम लगा दीजिएगा ना तो आपका मोलर भार हो जाएगा। जब किसी तत्व या यौगिक का उसको जब हम लोग क्या परमाणु भार तत्व के परमाणु भार में ग्राम लगा देते हैं तो हमारा मोलर भार बन जाता है। तो चूंकि सोडियम का परमाणु भार 23 था तो मोलर भार कितना 23 ग्राम हो जाएगा। अब फार्मूला से लगा दीजिए तो मोलों की संख्या निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा जरा ऊपर फार्मूला को देखिए, क्या हमारा दिया गया भार, तो दिया गया भार आपका कितना है दोस्तों, कितना दिया था आपका प्रश्न में 46 ग्राम दिया था तो 46 कर देंगे, बटा में मोलर भार, तो मोलर भार आपका कितना निकला 23 निकला सोडियम का। अब इसको कांटा करिए तो 46 23 कटेगा कितना बार में, दो बार में, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि 46 ग्राम सोडियम में कितना मोल उपस्थित है, 2 मोल उपस्थित है, 2 मोल उपस्थित है, ये हमारा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है याद रखिएगा। चूंकि ग्राम ग्राम कैंसिल होगा तो इसका यूनिट आएगा नहीं, तो मोलों की संख्या कितना गया हमारा 2 आ गया। तो इस तरह से आपका बना सकते हैं, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे 4 प्रश्न लिया हूँ आपको, 4 प्रश्न आपको समझा दूंगा कैसे आपको प्रश्न एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं दूसरा प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारा सेकंड प्रश्न कुछ इस प्रकार का बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एसटीपी पर 5.6 लीटर आयतन में हमारा क्या बोल रहा है उपस्थित मोलों की संख्या। आपको यहाँ पे कुछ दे सकता है गैस भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्मूला सब पर लिख ही लगेगा, इंडिविजुअल नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीजन के लिए। तो एसटीपी में 5.6 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, तो आप ध्यान देखिए यार, तो क्या करिएगा देख रहे हैं कि एसटीपी का आयतन प्रश्न में दे दिया है 5.6 लीटर, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है मोलों की संख्या का, ये फॉर्मूला लगेगा। जब आयतन दे देगा तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा, यदि भार का चर्चा करेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। चूंकि एसटीपी आयतन है तो हमारा आयतन कितना 5.6 लीटर, तो मोलों की संख्या निकालना, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो पहले क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हमारा पहले जो दिया उसको दे लिख देंगे, ये हमारा क्या कर देंगे एज लिख देंगे यहाँ पे एसटी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी पर आयतन किसी भी गैस रहे। मैं आपको बस आपको इस कुछ तरह का आपको नमूना देकर समझा रहा हूँ कि कैसे आपको प्रश्न आएगा, कैसे वहाँ पे सॉल्व करना है। तो कितना आपका 5.6 लीटर, और ध्यान रखिएगा दोस्तों लीटर में ही आपको रहेगा तभी बनाइएगा, यदि लीटर में नहीं दे देगा मिली लीटर में दे देगा तो उसको आप लीटर में बदलिएगा, समझ रहे बात को ना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या बोल रहा है, आप चूंकि एसटीपी पर आयतन तो निकालना, मोलों की संख्या निकालना है, आपको मोलों की क्या करना है संख्या का निकालना है, ये आपका वाट है। तो क्या करेंगे दोस्तों मोलों की संख्या का फॉर्मूला लगा देंगे, तो मोलों की संख्या क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों एसटीपी पर आयतन, एसटीपी पर आपका वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम हमारा एसटीपी पर हो जाएगा बटा में दोस्तों क्या होता है 22.4 लीटर, याद रखिएगा। तो देखिए एसटीपी आयतन कितना देखा दिया प्रश्न में 5.6 दिया है, अब बटा में दोस्तों 22 पॉइंट कितना है 4 है, अब कैंसिल करिए काट छाट करिए, देखिए यहाँ भी एक नंबर का 10 आया यहाँ भी 10, यानी कि कट जाएगा 10, तो क्या ऊपर बचा 56 है, नीचे क्या बचा 224 और कटेगा 56 कटेगा, लगता है कि 4 बार में कट जाएगा, तो 56 से ना 224 4 बार में कटेगा, तो ऊपर बचा 1 नीचे 4 यानी कि 1/4, इसको आपको बदलिएगा तो कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, 0.25 आपको आ जाएगा। तो 0.25 है यानी कि हमारा ये मोलों की संख्या आ गया, मोलों की संख्या आपको कुछ भी रह सकता है, तो यानी कि एसटीपी पर 5.6 लीटर आयतन में कितना मोल होगा 0.25 होगा, तो आपको ऑप्शन में जो भी रहे आपको इस तरह से मार देना है, टिक आउट कर देना है। तो 0.25 हमारा क्या हो गया इसके मोलों की संख्या इसमें हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सवाल ऐसा तो बना दीजिएगा ना। चलिए अब दोस्तों मैं तीसरा प्रश्न ले आऊँ, ठीक है उसको देखिए कैसे सोल्व होता है, पहले इसको नोट करिए। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न किस प्रकार का, देखिए
ये प्रश्न आपको दोस्तों मैं बता था ना कब हार्ट से लेकर सब प्रश्न से बता दूंगा। तो प्रश्न दिशा कुछ इस प्रकार का है, क्या बोल रहा है 1.6 ग्राम में CH4 में परमाणुओं की संख्या निकालें, यानी कि CH4 के 1.6 ग्राम में कितना परमाणु हो सकता है या तो कितना कण हो सकता है। देखिए परमाणु की संख्या बोले तो कण संख्या दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो परमाणुओं की संख्या निकालना, यहाँ पे मोलों की संख्या नहीं निकालना, आपको परमाणुओं की संख्या निकालना, यानी कि कणों की संख्या आपको निकालना, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा, पहले तो आपको कितना दिया गया, भार लिख देंगे, तो दिया गया भार आपका कितना है 1.6 ग्राम। अब चूंकि CH4 का चर्चा किया ना, तो पहले तो आपको मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि परमाणु की संख्या यानी कणों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कणों की संख्या निकालना है आपको तो मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बोगाडो संख्या तो सब में एक ही होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोलर भार, क्योंकि मैंने बताया था मोलों की संख्या निकालने के लिए मोलर भार चाहिए। दिया गया भार तो आपको 1.6 ग्राम, मोलर भार आपको निकलेगा किसका, CH4 का। तो कार्बन का दोस्तों एक होता है, कार्बन का सॉरी चार होता है ना, कार्बन कितना 12 होता है। देखिए कार्बन का कितना होता है 12, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन ऐसे सब चार हाइड्रोजन है तो 1 × 4 हो जाएगा। तो 12 + 4 यानी कि 16 ग्राम आपका हो जाएगा CH4 का परमाणु मोलर भार। अब यहाँ से मोलों की संख्या निकाल लीजिए, तो हर बार आपको मोलों की संख्या निकालना नहीं रहेगा, परमाणु संख्या भी निकालने के लिए रहेगा, कणों की संख्या निकालने का रहेगा। तो कैसे निकालें ये देखिए समझिए, तो मोलों की संख्या कैसे निकलेगा, दिया गया भार, तो दिया गया भार आपका कितना है 1.6 बटे में मोलों की संख्या बटे में क्या मोलर भार, तो मोलर भार कितना निकला 16 ग्राम, कैंसिल हो जाएगा तो 0.1 आ जाएगा। ये मोलों की संख्या है दोस्तों, लेकिन आपको प्रश्न में बोल रहा परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए। तो यहाँ फॉर्मूला पर देखिए, तो क्या मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे एन है ना, तो यहाँ से हम लोग सेट कर देंगे, क्या कर देंगे, मोलों की संख्या बराबर क्या आपका कणों की संख्या बटा में क्या आपको एन, परमाणु की संख्या भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है। तो मोलों की संख्या कितना निकला 0.1 निकला, बराबर में कणों की संख्या यानी कि तो निकालना ही है, तो इसको एक्स मान लीजिए, बटा में एन, एन का मान कितना होता है हमेशा ये होता है आपका 6.022 × 10^23। तो एक्स का मान निकाल लीजिए तो गुणा में चल जाएगा, तो 6.022 × 10^23 गुना में क्या जाएगा 0.1 ना, क्योंकि बटा उधर जाएगा तो गुने में होगा। अब इसको यानी कि दोस्तों एक क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, इसको पॉइंट हटेगा तो यानी ऊपर 23 नीचे 10 देंगे एक घट जाएगा ना, 6.022 × 10^22। ये दोस्तों 22 जो है ना यही आपको परमाणुओं की संख्या है, यानी कि 1.16 ग्राम CH4 में परमाणु संख्या कितना गया 6.022 × 10^22। तो ये मोलों की संख्या नहीं निकला, ये परमाणुओं की संख्या निकला। तो कैसे समझ रहे, ये भार था तो भार निकालिए, फिर मोलर भार से मैं मोलों की संख्या निकाल लिया, अब मोलों की संख्या का यहाँ पे सेट करके कणों की संख्या से निकाल लिया। तो आपको प्रश्न जैसा भी रहे उसे से बना देना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको भली मत समझाने का प्रयास किया हूँ, मैं यहाँ पे 3 फार्मूला भी लिखा हूँ, यदि आप फार्मूला भी याद कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बना दीजिएगा, सवाल ऐसा रहेगा था, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों फाइनली मैं सारा आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ मोलों की संख्या निकालने का। तो वैसे आज तक के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि शेयर करें इसलिए दोस्तों ताकि जो बच्चे नहीं जानते से निकालने वो जाने आगे बढ़े। तो और दोस्तों मैं यही कहूंगा कि मैंने आपको सारा वीडियो समझा दें तो आपको भी कुछ कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दीजिएगा, ताकि जितने इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे आप सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने हमारे चैनल से। जय हिंद जय भारत।